सर 13 स्टूडेंट्स हैं टोटल। और नौ कैसे पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? बढ़िया, सर बढ़िया। चलो बढ़िया चल रही है। तो कुछ देख लेते हैं, है ना, कुछ समझ लेते हैं। चलो तुम ही लोगों से आज पूछते हैं सारी चीजें के लिए, है ना। शुरू से चलते हैं। किसना आ गया? किसना आ गया? अरे यस सर। हेलो। यस हाँ तो चलो मुझे आज तुम चीज तुम लोग बताओ, मैं तुमसे जो जो पूछूँ वो बताओगे तुम, ठीक है। चलो शुरू से पहले चैप्टर से चलते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या सर, मेरे को सर मेरे एग्जाम से डाउट था, तो बोलो। उसमें एक क्वेश्चन आया था सर, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस एंड गिव वन एग्जांपल, तो सर इसका पॉलीएटॉमिक आयन बोल रहा है ना, मतलब एक से ज्यादा एटम मिले हो, जैसे पॉलीएटॉमिक आयन आप बोलोगे, सल्फेट आयन हो गया, क्या है पॉलीएटॉमिक आयन है, आयन है ना। आप कार्बोनेट आयन ले लो, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मोर देन वन एटम, मतलब हम पॉलीएटॉमिक आयन आयन को से बोले, अब पॉलीएटॉमिक आयन आयन इज एन आयन कंपोज्ड मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम। इसको बोलते हैं हम क्या, पॉलीएटॉमिक, जैसे अमोनियम आयन हो गया NH4+, है ना, आपका सल्फेट आयन हो गया, कार्बोनेट हो गया, परक्लोरेट आयन हो गया, ठीक है। ये सब कैसे हैं, पॉलीएटॉमिक आयन, कैसे हैं पॉलीएटॉमिक आयन, क्लियर बेटा। यस सर। नाइट्रेट हो गया, अब बहुत एग्जांपल हैं, बतेरे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अब हम तुम लोगों से पूछें, चलो बताते जाना। चलो मैटर बताओ, मैटर क्या होता है, मैं पहले चैप्टर से ही चल रहा हूँ, पूरा तो मैं आज रिवाइज करा देता हूँ। सुनिए हाँ बोलो, किसना नहीं आया? सर, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में तो देख रहा है सर, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हाँ बोलो। सो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम, दैट इज मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब जिस ठीक भी चीज के पास क्वांटिटी है और वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसे हम मैटर कहेंगे। अच्छा ये बताओ, जो पांच तत्व थे कौन से पांच तत्व थे? वायु, पृथ्वी, सर भूमि, जल, गगन, वायु, हाँ अग्नि और सर नीर, सर नीर, भगवान के पहले के सारे जो हाँ अक्षर बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ये थे बिल्कुल कंपोजिशन ऑफ मैटर थे, ठीक है ना, इस तरीके से अपन मानते थे। अच्छा यदि हम मैटर का क्लासिफिकेशन करते, दो टाइप से मैटर का क्लासिफिकेशन करते, एक फिजिकल और एक केमिकल, बोलो केमिकल, केमिकल, है ना। तो फिजिकल में क्या होता था केमिकल बताओ, फिजिकल में क्या होता है, फॉर्म। जनरली क्या होंगे, सॉलिड, लिक्विड गैसेस, और गैसेस, गैस। और केमिकल में, अरे आ गए कृष्णा, कहाँ थे? अरे मैं जो था सर चाय बना रहा था मम्मी। मतलब सही है, अकेले अकेले चाय पी रहे हो, हैं? अरे नो सर, मैं चाय नहीं पीता, मैं सब बना रहा था फैमिली के लिए। चलो अच्छी बात है, चलो बनाना तो आती, कभी आओ हवेली पे बनवाई जाएगी चाय, ठीक है बच्चा बाड़ी। अन्नो ध्यान रखना, कृष्णा चाय बना लेता है, कभी पार्टी पे यस चलेंगे सर, तो किससे चाय बनवाएंगे, कृष्णा से चाय बनवा कृष्णा लेंगे। से। हाँ अच्छी चाय बनाते हो कृष्णा, यस सर। चलो ये बढ़िया है। चलो अब देखो, सॉरी लिक्विड गैस हो गया, केमिकली में क्या होता है आपका बताओ, एलिमेंट,
कंपाउंड कंपाउंड मिक्सचर। मिक्सचर, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं, अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं आज। अब तो मैं मतलब मुझे लगता नहीं है केमिस्ट्री में कुछ है, पहले वैसे मैं पहले भी ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा अब मुझे सर मेरे को बताओ बस वो मासेस में दिक्कत है, वो नहीं पता, बाकी सब आता है सर। कैसे मास। तो वो जो आप बताते हो ना कि एटॉमिक मास, तो वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे वो सब तुम्हें वो याद कहाँ से, तो याद क्यों नहीं हो रहा तुम्हें। कहाँ पे हम मिल नहीं रहे। सर चलो कुछ मैं लिख देता हूँ अभी। पहले मुझे बताओ सॉलिड लिक्विड गैस बताओ क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। सर इनके डेफिनेशन देनी है। सर हाँ बोलो, सॉलिड किसे बोलेंगे, लिक्विड किसे बोलेंगे, गैस किसे सॉलिड बोलेंगे। वो सॉलिड सॉलिड बोलो बोलो, एक लोग कोई बोलो। सब्सटेंस जो जब उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होगा उस स्टेट को हम सॉलिड कहेंगे। ठीक है, लिक्विड बताओ कोई। सर लिक्विड में मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा, सर मैं अच्छा बताऊँ, गैस में। और गैस में सर हाईएस्ट होगा। अच्छा तो हम ऐसा बोल सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो संस्कारी होते हैं, बताया था मैंने पहले कभी, है ना। और लिक्विड के पार्टिकल कैसे होते हैं, कम संस्कारी होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है थोड़ा कम होता है। और गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, आवारा होते हैं, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैक टू। बेंचर्स गैस हो गए, हाँ सॉलिड नहीं वाले नहीं सर ऐसा नहीं है, बैक वेंचर्स को आप कभी पीछा मत समझो बिल्कुल कभी भी, ये बात ध्यान संस्कारी रखना। हाँ ये ऐसा कुछ नहीं है, बैक वेंचर्स भी कभी कभी टॉप करते हैं, इस तरीके से नहीं बोल सकते हो। जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे ना तो आप बैक वेंचर ही रहोगे, यदि मस्ती करनी हो पढ़ोगे भी हो मस्ती भी करोगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, चलो तुम्हारे लेवल पे आप मान सकते हो बैक वेंचर, फिर मिड में हो गया, फिर आपका टॉप फर्स्ट वेंचर हो गया, ठीक है कृष्णा। ओके सर हाँ मैं मतलब समझा रहा हूँ, आप आपको जिस यस तरह की सर समझ में वो चीज मैं बता रहा हूँ, ऐसा हम किसी को कम नहीं समझ सकते ना, बैक वेंचर या वो सारा मजे आते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, जब यस आप सर पढ़ोगे तो आप हायर क्लासेस में आओगे तब उस चीज को आपको और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा गैस समझ में आया, सॉलिड लिक्विड गैस समझ में आएगा, एलिमेंट किसे बोलेंगे बताओ। एलिमेंट सर मैं बताऊं बताऊँ, बोलो बोलो। सर, एलिमेंट जो है इट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर आफ्टर विच नो फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। ठीक और है। ये ऐसा स्टेट है जिसे हम फिजिकल मेथड्स जो है जैसे हीट कर दिया या कुछ और कर दिया तो ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा, जैसे कॉपर हम कहें तो ये फर्दर हम इसको सिंपल मेथड से ब्रेक नहीं कर हाँ पाएंगे। या हम ऐसे बोल सकते हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब सिंपली यस जी ये सर, गैस के यस द अंदर कैन प्योरेस्ट नॉट बी फॉर्म ऑफ ब्रोकन डाउन मैटर। इनटू सिंपलर एक, फॉर्म। हाँ और सिंपल सी बोले तो एक ही एलिमेंट से बने हो, एक ही एलिमेंट वो एक ही एटम से मिलके बने हो, जैसे मान लो Fe की रॉड ले लो तुम, है ना, तो आपको क्या मिलेंगे उसमें, Fe के एटम्स ही मिलेंगे, मतलब सिंगल एक ही एटम यस से सर मिलके बने होंगे, ठीक है। सर एलिमेंट आर दोज सब्सटेंसेस दैट मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स सेम काइंड ऑफ एटम, यस सर और सेम काइंड ऑफ एटम। यस बिल्कुल, सर वेरी। कंपाउंड किसे और सर बोलेंगे, कंपाउंड सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ इन अ फिक्स्ड फिक्स प्रोपोर्शन, रेशियो बाय देयर फिक्स मास, फिक्स रेशियो प्रोपोर्शन, फिक्स मास, यस सर, इन अ मास फिक्स रेशियो। रेशियो बाय देयर मास। हाँ बाई मास, ये क्यों बोल रहा हूँ बाई मास, मैंने तुम्हें बताया था जैसे H2O का एक मैंने एग्जांपल लिया था, हाइड्रोजन है कितना होता है एटॉमिक मास, दो होगा, दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो हम देखो 1:8। अब आप 1:8 चाहे चंद्रमा से पानी ले आना, चाहे तुम मंगल ग्रह से पानी ले आना, ठीक है, चाहे तुम समुद्र का पानी लाएगा वहां पे भी, आप चाहे लेबोरेटरी में पानी बनाना, मिलेगा कितना तुम्हें रेशियो, 1:8। अभी ये मत बोलना मैंने याद आया होगा क्या मैंने बोला था, नाले का पानी मत बोलना सर, उसका क्या होगा, है ना, ठीक है। चलो मिक्सचर कैसे बोलेंगे बताओ, मिक्सचर सर कैसे उसमें बोलेंगे। जिसमें जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो किसी भी रेशियो में मिक्स्ड हो, जिनका कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकता है और उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली फिजिकल मेथड से। बिल्कुल यस सर फिजिक मिक्सर, यदि यस सर ये मिक्सर भी बोले कह तो सकते दो हैं। या हम ऐसा बोल सकते हैं दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, अलग कंपाउंड होंगे, अलग अलग कंपाउंड कंपाउंड, होंगे उनको यस मिक्स कर देंगे तो उन्हें क्या मिक्सर मिले। सर और जैसे हम आपने बोले यहाँ पे सिंपली, जैसे मान लो ये मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, अब एंड शो वाटर द ले, प्रॉपर्टी ऑफ देयर नहीं अब हम इसमें कॉम्पोनेंट्स। क्या मिला दें, हम इसमें मान लो एश क्या मिला दें, शुगर मिला दें, ठीक है, तो क्या बोलेंगे बताओ, इसको मिक्सचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अच्छा जैसे मान लो तुम्हारे घर में खिचड़ी बनती है, खिचड़ी क्या है बताओ,
मिक्सचर है, मिक्सचर है, मिक्सचर है, डिफरेंट डिफरेंट दाल्स डालते हो, डिफरेंट डिफरेंट है ना परसेंट। यस सर, क्योंकि वो अपने अभी अभी हाल कॉम्पोनेंट किसना ने चाय प्रॉपर्टीज। बनाई है तो वो भी क्या है, किसना क्या मिक्सचर, है, यस सर मिक्सचर है, किस किस सर का मिक्सचर खीर है, मिक्सचर है, खीर मिक्सचर है, बिल्कुल सही। क्या क्या मिलाया था बताओ किसना, क्या क्या डाला था चाय बनाना। सर, चाय पत्ती, अदरक, हाँ चीनी, हाँ ये सपा पानी दूध, और दूध, सपाने नहीं दूध, डालता मैं। अच्छा पानी नहीं डालते, मतलब प्योर दूध की बनाते हो, ठीक है। यस सर, हाँ तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, चलो तो मिक्सचर अभी हम बात करेंगे बाद में, अब हम बात करते हैं ब्राउनियन मोशन किसे बोलते हैं। सर जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स व्हेन दे सर आर सर द स्मिटन रैंडम बाय द मूवमेंट फ्लूइड ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल हाँ इन सर अ इसको कहते हैं, फ्लूइड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। हाँ आप रैंडम मोशन पार्टिकल्स का बोल सकते हैं, रैंडम बोले इरेगुलर मोशन बोल सकते हैं, है ना। यस सर, अब सर है ना जिगजैग तो उन्हें पहली जिगजैग, बार जब हाँ ऑब्जर्व अच्छा किया था तब इसका भी जो ब्राउनियन मोशन था इसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट सर, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट सर, ब्राउन, जिन्होंने इसीलिए सर बायोलॉजी में न्यूक्लियस रॉबर्ट, डिस्कवर हाँ किया है। रॉबर्ट ब्राउन ब्राउनियन है ना। अब ब्राउन इसीलिए इनको क्या बोला गया बताओ, उस मोशन को ब्राउनियन। मोशन। अब मान लो इंडिया के नाम पे होता तो किसना क्या, मैं किसना क्या लिखता पूरा नाम, इंडियन सर मोशन कृष्णा, इंडियन मोशन, नहीं यदि मान लो तुम्हारा नाम क्या है, सरनेम क्या है, लास्ट में क्या लगाते हो, कृष्णा अन्ना तो लगता एक्चुअली मैं अपनी लगाते नहीं है सर, है। हाँ अच्छा सर शर्मा कभी कभी लगाते हैं क्योंकि सर दीदी का नाम बहुत बड़ा है ना, अच्छा अच्छा तो त्रिलोका मुद्रा, अच्छा सर शर्मा लगाता हूँ पर तो नॉर्मली। बताओ जी आप डिस्कवर करते तो क्या बोलते, सरमीनियम मोशन यही बोलते तो इस यस सर, तरीके तो वो नाम हर किसी पे सूट नहीं करता, गुप्ता होता है गुप्तेनियन मोशन, है ना इस तरीके से। तो ये इनके नाम पे रखा गया है ब्राउनियन मोशन, यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ वो चीज, तो यहाँ पे क्या बोल रहे यस हैं सर, ब्राउनियन, उनके नाम पे सूट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, डिफ्यूजन किसे बोलते हैं बताओ कोई बच्चा। सो द व्हेन द मूवमेंट ऑफ, पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस मिक्स इनटू अनदर सब्सटेंस, और सर ये फ्रीली होता है, इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होती, उन पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया जाता, वो अपने आप एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, कोलिजन से मिक्स हो जाते बोलो हैं। बेटा बोलो। सर द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद द अनदर सब्सटेंस, अच्छा एक उसको चीज बताओ डिफ्यूज मुझे, सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसका होगा, गैसेस, गैस 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 किसका होगा, तो याद रखना सॉलिड से ज्यादा किसका होगा बोलो, लिक्विड, लिक्विड से लिक्विड, ज्यादा और उसके बाद गैस, गैस, गैस गैस मैक्सिमम और सॉलिड सर। में सॉलिड का लोअर। भी होता है सर, हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड और चॉक का एग्जांपल। अब देखो अब हम लिखते हैं, अब बताओ, अब देखो एक चीज तो स्टेट्स ऑफ मैटर बोली, या तो स्टेट्स ऑफ मैटर तीन ही हो सकती हैं, यदि किसी कंपाउंड की स्टेट्स ऑफ मैटर बोली जाए तो कितनी होगी, तीन ही होंगी, सॉलिड लिक्विड गैस, है यस ना। सर, सर मेनली दो नेचर के कारण हमें मिल सकती है सर, नेचुरल अर्थ सॉलिड, पे हाँ लिक्विड गैस। हाँ सॉलिड लिक्विड गैस, नेचुरल अर्थ पे बोले आप केमिकल रिएक्शन भी कराएंगे तो उसकी फिजिकल स्टेट भी क्या होगी, तीन ही स्टेट में मिलेंगी, सॉलिड लिक्विड यस या सर, फिर गैस। पर अच्छा हमने बहुत सारी पहले तो अभी सिक्स्थ शायद सर आगे जाके पढ़ेंगे हम सर, ऐसे 22 डिस्कवर हुई हैं अच्छा अब सर, मुझे ये बताओ, फर्मियोनिक कंडेंसेट ना अब मेरी सिक्स्थ जो है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो मैं तुम्हारे आंसर इसलिए नहीं दे रहा हूँ, बाद में दूंगा, कब किसने कब दूंगा, अगली क्लास में आगे जाके, ओके हाँ जब तुम और मुझे चाय पे बुलाओगे तब, तुम्हारे हाथ की चाय पियूंगा, सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, यदि पूछा जाए सॉलिड्स आर जनरली वेरी हैवी व्हाइल गैसेस आर लाइट, एक्सप्लेन करो कैसे। सर बिकॉज द इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इज लेस देन गैस, क्या बोल रहे हो, मैं बताऊं सर, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ सॉलिड मतलब हैवी क्यों होते कंप्रेस्ड हैं, ज्यादा होते गैसेस हल्की क्यों होती हैं, सर, बोलो। बिकॉज सॉलिड्स का जो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम वो गैसेस से ज्यादा होता है, तो एक वेरी गुड, फिक्स्ड वॉल्यूम में सॉलिड का मास ज्यादा हो जाएगा और गैस का कम हो जाएगा, वेरी और गुड, सर वेरी ये गुड, इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ही कम होता है। कम होता, वेरी गुड ये वेरी सब मैं वेरी ज्यादा गुड, डीप वाला बोल, किसने डीप ज्यादा बोल दिया, तुमने। तो मैंने इंटरमॉलिक्यूलर पहले बोल दिया। तो ये चीज ध्यान रखो, जैसे एक क्वेश्चन आता है इससे पूछे जाते हैं तुमसे, है ना, दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे टेम्परेचर की जैसे बात आए,
चलो अच्छा कुछ टेम्परेचर देखते हैं। तो देखो टेम्परेचर आपको पता फारेनहाइट में मिलेगा या सेल्सियस में मिलेगा या केल्विन में मिलता है। जैसे आप फारेनहाइट से आप सेल्सियस में दे दिया जाए टेम्परेचर और फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हो, 9/5 9/5 + 3 + 3 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे दिया और केल्विन में निकालना है तो कैसे निकालते हो, फारेनहाइट दे दिया जाए डिग्री, जैसे मान लो आपको चलो 98 फारेनहाइट दे दिया, निकालो सेल्सियस कितना निकालोगे, कैसे निकालोगे, करो कैलकुलेट। आपको सेल्सियस दे दिया जाए, आपको यहाँ पे सेल्सियस निकालना है कितने सेल्सियस हो, आपको यहाँ सेल्सियस बताओ केल्विन भी बताओ कितने केल्विन मिलेगा टेम्परेचर, ठीक है केल्विन में भी कन्वर्ट कर। हेलो सर 98 क्या चीज है सर, फारेनहाइट है, फारेनहाइट लिखा है ना, एफ लिखा है मैंने, है ना, आपको सेल्सियस दे दी मान लो 32 सेल्सियस दे दिया सर, 36.66 सेल्सियस, यस सर, करो ये तीन चार क्वेश्चन करो। एक काम सर, फारेनहाइट में 89.6 आप कुछ कह रहे हैं, कितना 89.6, अच्छा इसमें कितना आ रहा पहले ये बताओ, 98 वाले में सेल्सियस कितने हैं सर, 36.66 हमारे विश्वास पे रख रहा हूं। अच्छा केल्विन कितना आएगा, 270 + 273 + 36.88 तो भी आया, आंसर निकाल लेना। इसमें बताओ कितना आया फारेनहाइट, 89.6 अच्छा तो केल्विन कितना आया, 273 प्लस 32 अच्छा 295 जो भी आया तुम देख लेना, यहाँ पे बताओ 295 आएगा सर, 305 आएगा सॉरी 305 आएगा, यहाँ पे बताओ फारेनहाइट कितना आएगा, फिर वो कर रहे हैं, तुम्हारा क्या नाम है तुम बोल रहे हो अभी, लव्य, लव्य सर 39.4 फारेनहाइट सर सेल्सियस, एक्चुअली सेल्सियस 39. सेल्सियस 39.4 सर 39.44 ठीक है, और तुम्हारा केल्विन कितना आएगा, 273 प्लस 39.312 तो आंसर आ जाएगा। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, चलो ये चीज तो हो गई तुम्हें पता है, अब मैं पूछूं फ्यूजन बताओ किसे बोलते हैं, या मेल्टिंग, सर मैं बताऊं सर, व्हेन सॉलिड चेंजेस इन इनटू लिक्विड, यदि मैं मेल्टिंग पॉइंट बोलता तब क्या बोलते तुमने अपने से, सर एट अ टेंपरेचर स्पेसिफिक टेंपरेचर, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं फ्यूजन किसे बोलते हैं, मतलब जनरली किसके लिक्विड से क्या कर रहे हैं हम बताओ, सॉलिड को हीट करके क्या मिले तुम्हें बताओ, लिक्विड लिक्विड यस लिक्विड, और सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब इसको क्या कर रहे हैं हम जनरली बोला जाए मेल्ट कर रहे हैं, यस सर है ना, यस सर, या मेल्टिंग बोल सकते हो या हीट कर रहा, हीटिंग तो करेंगे डेफिनेट टेम्परेचर पे, अच्छा लिक्विड से अब मुझे बताना बॉइलिंग कर दें, या बॉइलिंग बोलते हैं या वेपराइजेशन बताओ उससे क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, गैस मिल जाएगा। अच्छा अब हम बॉइलिंग करने के बाद क्या करें,
इसको फिर से बॉइलिंग कर दिया तो क्या मिल गया, तो मैं गैस मिल गया, ध्यान सुनना, गैस मिल गया, ठीक है। अच्छा अब बताओ मुझे, कंडेंसेशन कर दे तब क्या होगा, सर तो गैस से गैस लिक्विड बन फिल जाएगा, बन और सर उसे जाएगा। लिक्विफाई लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। लिक्विफिकेशन, यस सर, वेरी गुड। अच्छा लिक्विड से सॉलिड मिल जाए तब, कंडेंसेशन सर, सर फ्रीजिंग और फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन। द सॉलिडिफिकेशन। हाँ वेरी गुड। अच्छा सब्लिमेशन किसे बोलते हैं? सर व्हेन सॉलिड द डायरेक्टली चेंजेस इनटू चेंज, गैस, सो द डायरेक्ट सॉलिड से गैस में एग्जांपल कोई चेंजिंग बताओ, विदाउट कोई पासिंग थ्रू एग्जांपल लिक्विड बताओ। स्टेट। द मॉथ सर बॉल्स, व्हेन द सो नैफ्लिन बॉल्स, और कोई सर कैंपर, 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 वेरी गुड। द द आइस, आइस, हाँ अच्छा ड्राई ड्राई आइस, अच्छा मुझे ये ड्राई बताओ, आइस। अच्छा वेरी गुड। अच्छा पर ये मुझे भी सही नहीं एमोनियम है ना, क्लोराइड, अब नहीं वो सही पर नहीं है, तुम्हारा ये कैंपर सबसे सर अच्छा एमोनियम एग्जांपल है, क्लोराइड, कैंपर और नेप्थलीन का एग्जांपल तुम क्या बोलो? एमोनियम क्लोराइड, पर ये सही डेफिनेशन नहीं है ना सर, क्योंकि पापा बताते हैं कि थोड़े टाइम के लिए रहती है लिक्विड स्टेट में, क्या पर सही डेफिनेशन नहीं है, उससे मतलब नहीं। अभी तो तुम्हारे सिलेबस में अभी ये याद रखो ना कि भाई हम सब्लिमेशन किसे बोलते हैं, बताओ। सब्लिमेशन बोलते हैं सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो, डायरेक्ट गैस में, गैस डायरेक्ट गैस में। डेफिनेट टेम्परेचर पे, ठीक यस यस सर, सर है। अच्छा अब मुझे ये बताओ तुम, ट्रिपल पॉइंट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट किसे बोलते हैं? सर हिडन हीट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर चेंजिंग टू अ ब्रेक, सर हिडन हीट रिक्वायर टू ब्रेक द ब्रेक द पार्टिकल फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। अट्रैक्शन। हाँ या फिर हम हिडन मतलब छुपी, या हम इसको बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है ना, रूम, जैसे मान लो यस आइस है, आइस लिक्विड में किससे कन्वर्ट हो गया बताओ, बोलो। सर वाटर, अच्छा अब मुझे दो चीज बताओ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? सर समय आए, सर लेटेंट, समय बोलो है, बेटा। सब हाँ बोलो, मेल्टिंग में निकलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ अपना बोलो। फ्यूजन, यस सर, सर द बोलो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल्स व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ एनी सॉलिड इज मेल्टेड टू फॉर्म अ लिक्विड एट द वेरी फिक्स गुड वेरी टेम्परेचर गुड, एंड प्रेशर। बिल्कुल 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 सही बोला। हम ये बोल सकते हैं यूनिट मास को ही, क्या कर रहे हैं, यूनिट मास को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, लिक्विड में, एट डेफिनेट टेम्परेचर पे, विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर एट डेफिनेट टेम्परेचर पे है ना, जो टेम्परेचर है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, बोलो, लेटेंट हीट यस ऑफ फ्यूजन सर, बोलते लेट हैं। एंड टॉप इट अच्छा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे बोलते हैं? सर, सर चेंजिंग जिसमें ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को लेके उसे गैस में करने से सेम सर टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम सेम यूनिट मास को लेके है ना, क्या करेंगे बताओ। 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड चेंज इनटू यस गैस एट यस इट्स वेरी बॉइलिंग पॉइंट वेरी गुड वेरी गुड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुना कि विदाउट नहीं? चेंजिंग टेम्परेचर, अच्छा जैसे मान लो, अब मुझे एक बात बताना, तुम्हें एक बात बताओ मुझे, यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पे व्हाई इज वाटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो बताओ क्यों होता है? समय आए बोलो। सर, बिकॉज वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस, इट मींस, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब 0 से 100 के बीच में वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और रूम टेम्परेचर यूजुअली 20 डिग्री टू 25 डिग्री के बीच में होता है, इसलिए। और कुछ रीजन बता सकता है कोई? यदि मैं बात करूं H2O में क्या होता है, जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जो कि कैसा होता है, यस बहुत स्ट्रांग होता है, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा होता है लेटेंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसका क्या होता है, वाटर का हाई होता है, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता यस है, ठीक सर, है ना। ओके सर, वो तुमने भी सही बोला था, रूम टेम्परेचर पे वो नहीं होगा, तुमने भी सही बोला था, ठीक है ना, गलत नहीं बोला है, यस सर। रुक तो और सर गया। इन्हें तीन मेन स्टेट इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि सर यही नेचुरली मिलती हैं, क्योंकि हमने जो सारी बाकी सारी बनाई हैं और देखी हैं वो लेबोरेटरी और आउटर स्पेस में हुई हैं। अच्छा चलो अब मुझे बताओ इवापोरेशन क्या होता है? सर कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑफ बिलो लिक्विड इट्स इनटू गैस, बिलो इट्स अच्छा बॉइलिंग ये तो पॉइंट, ये बिलो इट्स स्पॉन्टेनियस, बॉइलिंग ये पॉइंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? सर, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस सर, एंड इट इज अ सरफेस फिनोमिना। सर बेस मैन। अच्छा इसकी फैक्टर ऑफ एक्टिंग बताओ।
सर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और सरफेस एरिया। अरे मेरी तो सुन लो महाराज, आपसे इस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इंक्रीज करने पे तो मुझे बताओ तुम। समय है तो का ऑपरेशन हाई हो जाएगा, का ऑपरेशन हाई हो जाएगा। अच्छा यदि मैं वाटर के लिए पूछूं तो एवोपोरेशन कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? बैटरी बताऊं तो मैं एक्चुअली जो एवोपोरेशन होता है ना वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप वाटर को आप किसी भी टेम्परेचर में कुछ ना कुछ क्या होता रहता है, वो एवोपोरेट होता ही है। अच्छा यदि ह्यूमिडिटी हम बढ़ाएं क्या होता है? स्पॉन्टेनियस लगातार इस तरीके से समझ सकते हो सर। मुझे लगा तेज हो जाता सर। स्लो प्रोसेस है ना ये तो? हाँ स्लो प्रोसेस है ना। अब मुझे बताओ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का क्या फर्क पड़ेगा एवोपोरेशन पे? सर अगर इंक्रीज होगी ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ एवोपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगा एक एक करके बोलो यार, सब खिचड़ी पका दे तो तुम लोग भी मिक्सचर की तरह। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवोपोरेशन। हाँ मतलब क्या मतलब आप बोल सकते हो रेट ऑफ एवोपोरेशन। बिल्कुल सही डेफिनेशन दी, बिल्कुल एक लाइन की डेफिनेशन है रेट ऑफ एवोपोरेशन। अब एक काम करना, तुम लोग आंसर नहीं दोगे, तुम लोग अपना नाम बताओगे, जो हमें सबसे पहले नाम सुनाई देगा ठीक है वही आंसर एक्सप्लेन करेगा। ओके सर। ह्यूमिडिटी तैयार हो? यस यस सर। अब मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग में। 90 तो लास्ट में सुनाई दिया, अन्ना पहले सुनाई दिया, अन्ना बोलो। यस सर। सर बॉइलिंग जो होता है वो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस होता है एट बॉइलिंग पॉइंट, और इवेपोरेशन होता है सेम प्रोसेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग जो होता है वो एक बल्क फिनोमेना होता है, मतलब टोटल लिक्विड एज अ होल, लेकिन जो इवेपोरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है, केवल जो सर्फेसेज होती है वहीं से होता है। और इवेपोरेशन से हम कह सकते हैं कूलिंग इफेक्ट कई बार जनरेट हो जाता है, और बॉइलिंग से कूलिंग इफेक्ट नहीं जनरेट हो पाता है। वेरी गुड वेरी गुड, सही बोला इन्होंने। बोलो और कोई बताना चाहेगा आंसर? सर यही था। सर यही था। चलो अब मुझे दो स्टेट के बारे में बताओ, प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन स्टेट। समय है कृष्णा। हाँ कृष्णा बोलो। सर प्लाज्मा वो स्टेट होती है मैटर की जब उस जब स्टेट ऑफ मैटर बिलो मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर चला जाता है, ऐसी स्टेट जहां सिर्फ हम आउटर स्पेस में ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं और लैब में ही बना सकते हैं। सर जैसे सन पे हम देखते हैं प्लाज्मा। सब बहुत अनो तुम बताओ, सिंपल शब्दों में बताओ। यस सर। सर प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, और उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरह से हम एक्साइटेड टाइप कह सकते हैं। ये कहाँ पे अकर होते हैं जनरली नेचुरली? सर स्पेस में शायद। स्टार्स में। स्टार्स में स्टार्स। ओके सर। इसी की वजह से प्लाज्मा ऑल स्टार्स ग्लो पड़ा हुआ। यस सर। है ना। अच्छा बोस आइंस्टीन वाला बताओ। सर मैं बताऊं? अर्णव बोलो। हाँ बोलो। यस सर। सर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वो तब अकर करता है जब किसी भी गैस को हम जीरो केल्विन तक ले जाके कूल करते हैं, तो वो एकदम से क्लस्टर बना देता है और एक सुपर एटम फॉर्म कर लेता है जिस पे फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ता। यस सर। सर कहना है? हाँ बोलो बेटा। सर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज टाइपिकली फॉर्मड व्हेन अ गैस ऑफ boson at low density is cooled to temperature very close absolute zero। अच्छा जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, which of the following, ऐसे लिख दिया मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूँ एक, which of the following of the following has no fluidity has no
ए है नाइट्रोजन, बी है एल्कोहल, सी है कॉमन सॉल्ट और डी है आपका हीलियम। कॉमन सर सर सी वेरी, समझ में भी आ रहा है ना, क्योंकि यस नाइट्रोजन क्या हुआ, लिक्विड है ना, यस एल्कोहल क्या सर लिक्विड है। सर एक मेरे डाउट है बोलो, यदि टॉपिक से रिलेटेड होगा तो ही बताऊंगा, सर, मैटर से रिलेटेड है मतलब टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, तुम्हारे सिलेबस का होना चाहिए, तो सर। नहीं वो नहीं है नहीं है तो तुम पता नहीं इतना किसना को मैंने जो बोला हुआ है, बताओ बच्चों बोला है नहीं बोला, हमने किस पे बुलाना पड़ेगा इसको सर, बताओ, मिल नहीं रहा मेरे को वो कहीं चाय पे सर, चाय पे, तो चाय पे बुलाओ कभी, चाय बनाए हम किसना के कैसे हाथ, बुलाऊं सर? अब मैं किसना के हाथ की चाय पीऊंगा, लेकिन और किसी के हाथ की नहीं, कैसे बुलाऊं सर? मिलेंगे कभी, अभी एक मुलाकात करते हैं तुमसे, है ना, कुछ करते हैं प्लान, मुलाकात का, मुलाकात भी जरूरी है ना, यस सर। यस सर, अच्छा चलो एक क्वेश्चन दे दिया जाए तुम्हें, जो कि JTSE में आया, JSTSE में आया था क्वेश्चन, और वो था आपका, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स हीटिंग, देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तुम लोग NTSC का एग्जाम डालना 10th में, फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर, तुम लोगों ने इतनी डिटेल कहाँ से पढ़ी हुई है वैसे तुम लोग, क्यों? सर मैंने सर हाँ कुछ पापा बताते रहते हैं और सर मैंने बुक्स से थोड़ा थोड़ा पढ़ा है सर। पहले बायो में पापा ने सेल्स के बारे में पढ़ाया, उसमें बायो केमिस्ट्री को टीज किया, और सर अभी क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ और सर स्ट्रिंग्स तक पहुंचा हूँ अभी सिर्फ। अच्छा, मतलब तुम क्वांटम के बारे में पढ़ रहे हो, ओहो क्वांटम समझते हो, सबसे डिफिकल्ट होता है, सर कहते हैं सर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी और मजा सर उसी में तो आता है अन्नो तुमने कहाँ से पढ़ा है इतना सब कुछ, किताबों से? यस सर, सर बुक्स जो मिलती हैं, केल्विन मॉड्यूल और सर सर राहुल सर ने पढ़ाया था, केल्विन मॉड्यूल तो बेस्ट है, तो मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ, मतलब जो केल्विन मॉड्यूल और जो बहुत सर बेस्ट, पढ़ाया। मतलब तुम्हारे लिए बहुत एकदम सही बात लिखी है ना, बहुत सही बनाया, मतलब मॉड्यूल तो बहुत ही गजब है केल्विन का, वास्तव में इसकी इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा यस सर, इतना, मतलब मैंने देखा नहीं इतना मॉड्यूल, बहुत अच्छा है, कंटेंट यस बहुत सर। अच्छा है तुम्हारा, मतलब यस सर, एनटीएससी जो ये भी मेरे बढ़िया डाउट्स हैं सर, ये बहुत पुरानी क्लास है, थर्ड फोर्थ उसके हैं सर। है, तुमसे मिलेंगे किसी दिन, हम बात करेंगे तुम्हें, बताओ इसका आंसर क्या होगा, वेपराइजेशन सर फ्यूजन, फ्यूजन 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 पक्का, कौन कौन पांच, फ्यूजन ही है ना, सिंपल सी बात है, यस सर, सर यस सर। वेपराइजेशन अपने आप होता है बिलो बॉइलिंग ना पॉइंट, वेपराइजेशन अपने आप होता है, कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन सर ये सब हम नेचर में देखते हैं, जबकि फ्यूजन हम नेचुरली अर्थ पे नहीं देखते, वो सिर्फ स्टार्स के अंदर होता है, या हम अभी फ्यूजन रिएक्टर्स से ही कर पाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, ड्राई आइस किसका एग्जाम्पल है, इवापोरेशन का, क्रिस्टलाइजेशन का, सब्लिमेशन का, सब्लिमेशन, प्यूरिफिकेशन, तो आपने क्या बोला क्वेश्चन, सब्लिमेशन सब्लिमेशन सर, सब्लिमेशन, सर लोग पहले ही आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन क्या आपने हुआ, वो क्या बोला, मतलब क्वेश्चन मैंने ये बोला था ड्राई आइस किसका एग्जाम्पल है, कैसे, इवापोरेशन का। अच्छा सब्लिमेशन का, सब्लिमेशन तो बात तो तुम्हारी सही है, ये क्वेश्चन आया था 2018-19 में JSTSE में। अच्छा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, एक और देख लेते हैं, कुछ और उठाते हैं, दूसरा चैप्टर उठाते हैं, ठीक है, एक मिनट तुम्हारे लिए क्वेश्चन देखते हैं, सर 28 को वो ऐसा MVPP या JSTSC जो ऐसा मेरा सर, उसमें जो है सर कैसे क्वेश्चन आएंगे सर, एटॉमिक मास और वो सब निकालने। यस वो सब देख लिया तो मैं सब कुछ करा दिया, मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं ना वो सारे लगा जाओ, सर, सर वही करने हैं या फिर कर सर लो क्योंकि
सर क्योंकि एसएसटी में कह रहे थे ना फिजिक्स वाले सर कि फैक्ट्स और करंट अफेयर्स आएंगे, वो चीज अलग है। मैं केमिस्ट्री का बता रहा हूं। कौन सा पेपर है? जीएसटीएससी का बता रहा है, होगा कोई दिल्ली का जूनियर साइंस कुछ ऐसी कर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन करके होता ना ऐसी कुछ है। यस केवल दिल्ली रेसिडेंट्स के लिए जो है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये नहीं होता है, दिल्ली वालों के लिए ही है। सर आप कहाँ रहते हो? हम हमारा कोई ठिकाना नहीं, दिल्ली में रहते हैं और कहाँ रहेंगे, नहीं तो मैं पढ़ा रहे होते हैं। सर आपने कहा दिल्ली के रेसिडेंट, अब दिल्ली का मैं मतलब बेसिकली वैसे कानपुर से हूँ। आगे बढ़ते हैं। ओके अब बताओ मुझे यहाँ पे मैटर हमने अच्छा प्योर सब्सटेंस की बात में देख ली। अच्छा आप मुझे बताओ होमोजीनियस मिक्सचर हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो मुझे बताओ थोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारा, तुम लोग तो सब, तुम लोगों ने टेंथ भी पढ़ लिया तुम लोगों ने, कुछ बच्चों ने तो सर नो अभी तो नहीं पढ़ी, अभी तो नहीं सर, अभी सर अच्छे से नहीं पढ़ी नॉलेज के लिए कुछ। वही बच्चा बोल रहा था मुझे, तुम ही लोगों में बोल रहा था, कौन बोल रहा था मुझे याद नहीं है मुझे। हेटरोजीनियस सॉल्यूशन बताओ, पहले सॉल्यूशन क्या होता है पहले ये बताओ मुझे सर। होमोजीनियस बताए पहले, होमोजीनियस मिक्स पहले मुझे जनरली सॉल्यूशन बताओ क्या होता है सर। क्या नब्बे बोलो सर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अच्छा मैं पहले, अच्छा ठीक है सॉल्यूशन मतलब कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सॉल्वेंट डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड मीडिया। यस सर। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अब वो सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस और एक हेटरोजेनियस, बताओ मुझे दोनों के बारे में। कृष्णा समय अर्णव बोलो सर, नाम बोल दीजिए आप। सर मैं आए बोलो 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 अर्णव बोलो फिर कृष्णा बोलो फिर लास्ट में किसने बोला, जैद नहीं आया? जैद मैंने बोला पहले, मैंने हाँ जैद बोलो, हाँ नाम मुझे वही नाम क्लिक नहीं किया, अर्णव क्लिक कर गया। सर बताऊंगा? नहीं जैद बोलेगा पहले। A mixture is said to be homogeneous if all the components of mixture are completely mixed together and are indistinguishable scale from one another. Very good. और कोई बताएगा? Yes sir, sir Arnab. बोलो. Sir, homogeneous mixture वो जिसमें कि where all the particles have been mixed uniformly and there are no visible boundaries of separation. While in heterogeneous, there are visible boundaries of separation, which can be bubbles or anything else, and there is no uniform composition throughout. Sure. Homogeneous is always stable, while heterogeneous is not always stable. वो क्या हम naked eye से देख सकते हैं? No sir. No sir. No. अच्छा नहीं देख सकते। Sir, इसके particles 1 nanometer से भी छोटे होते हैं। Very good. अच्छा. एक वो आया क्वेश्चन अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ और फिर बता दो, हेटरोजीनियस मिक्सचर बताओ क्या होते हैं। समय है कृष्णा। सर हेटरोजीनियस मिक्सचर्स आर दोस मिक्सचर्स दैट आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड टुगेदर एंड दे हैव विजिबल बाउंड्रीज, द पार्टिकल साइज ऑफ अ हेटरोजीनियस मिक्सचर इज मोर देन 1000 nanometers and there are not stable. The particles of the heterogeneous mixture settle down after some time. Heterogeneous solution show Tyndall effect and heterogeneous mixtures show the property of their components. अच्छा अच्छा तुमने ये सब तो तुमने बता दिया, हेटरोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस हेटरोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस बताओ, कौन बताएगा? समय है कृष्णा। बस अब किसने ये आंसर देगा, सब लोग कहाँ चले गए? समय है अर्णव। हाँ तो इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे हो?
नहीं सर, वो एकदम से माइक ऑन नहीं हुआ. अच्छा अच्छा बोलो. ये सर सर होमोजेनस सेल. पहले किसना बोलेगा, उसने बोला, बोलो जल्दी से. बेच किसना एक एक बताना बस, ज्यादा डिटेल में मत जाना सर. एक एक बताना है ना सब. हाँ, बस 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 सर. टिंडल इफेक्ट होमोजेनस. अरे बेटा होमोजेनस और हेटेरोजेनस का एक एक एग्जांपल बता. अच्छा सर एग्जांपल देना है सर. जैसे शुगर शुगर और वाटर का सॉल्यूशन. अच्छा और उसमें सर हेटेरोजेनस में हम ले लेते हैं सॉल्ट और सल्फर का एग्जांपल. वेरी गुड. और कोई बच्चा बताए. यस सर. सर होमोजेनस में हम ले सकते हैं एग्जांपल नेचर. अच्छा चलो मुझे हेटेरोजेनस में ब्लड. अब डिफरेंस ही बता दो इसमें. चलो टोटल दो दो डिफरेंस बता दो कोई भी एग्जांपल. समय कर बोलो सर. नाम बोल दीजिए. अर्नव बोलो. सर होमोजेनस में सर नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, हेटेरोजेनस में विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. सर होमोजेनस मिक्सचर्स शो टिंडल नॉट शो टिंडल इफेक्ट, हेटेरोजेनस मिक्सचर शो टिंडल इफेक्ट. सर बाउंड्रीज होमोजेनस मिक्सचर में विजिबल नहीं होती, हेटेरोजेनस में विजिबल होती हैं. सर होमोजेनस मिक्सचर जो होते हैं सर उनका पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होता है, जबकि हेटेरोजेनस मिक्सचर का होता है मोर देन 1 नैनोमीटर. अच्छा मुझे तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं. कृष्णा सर. बोलो बोलो कृष्णा. हाँ बोलो बोलो कृष्णा. बोलो क्या लास्ट में किसने बोला नाम. लड़की ने बोला क्या. लड़का कौन था सर. ज्योतिष्णा. बोलो बेटा तुम बोलो. बहुत देर से सॉल्यूशन सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है सर. अच्छा सॉल्वेंट किसे बोलेंगे सर. जिसमें सर जो सर वाटर जैसे सर डिप्रेशन मीडियम जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसे क्या बोलोगे. सॉल्वेंट. सॉल्यूट किसे बोलोगे सर. जो कम क्वांटिटी में हो. हाँ इस तरीके से तुम समझ सकते हो, मतलब जो आप डिजोल्व कर रहे हो है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो. सर पर ये पूरी तरह से सही कैसे हो सकता है. सही सर, क्योंकि हमने ऐसे भी देखे हैं जिनमें ज्यादा सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट से. हमारे सिलेबस में तो नहीं है, ज्यादा नहीं है वो. जब हायर क्लासेस में भी जाओगे ना पीएचडी करने तब देखना. अभी देखो यहाँ पे जब आप क्या डालोगे, सॉल्यूट डालोगे ठीक है, तो सॉल्यूट क्या लेसर अमाउंट में होता है ऐसे आप समझ सकते हो, और जो सॉल्वेंट होता है वो कैसे होता है. मोर अमाउंट में होता है. मोर अमाउंट. अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे सिंपल, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितने टाइप के होते हैं सर. आप किस पॉइंट पे पूछ रहे हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं ना. सॉलिड सॉल्यूशन सुना होगा, लिक्विड सॉल्यूशन सुना होगा. यस सर. सॉलिड सॉल्यूशन एक और बेसिस पे भी होते हैं ना, कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड या फिर सर. वो नहीं, वो बेसिस पे नहीं पूछो मैं यहाँ पे. मुझे सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन. हमें कोई एग्जांपल बता सकते हो सॉलिड एंड सॉलिड का. सर अलॉयज. सोल्डर. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अब मुझे ये बताओ इसमें दूसरा लिक्विड एंड सॉलिड का बताओ कोई एग्जांपल. सर टिंचर ऑफ आयोडीन. सर टिंचर ऑफ आयोडीन. सर सैंड एंड वाटर. सर मडी. सर सॉल्ट एंड वाटर. आप सिंपल सी बोल दो हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होगा, लिक्विड एंड सॉलिड है ना. यस सर. वो भी तो है, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट ले लो CuSO4.5H2O. यस सर. यस सर. वाशिंग सोडा ले लो Na2CO3.10H2O. अच्छा भैया बताओ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉलिड. सर कोक. सर क्या बोला. सर कोक. गैस इन लिक्विड. सर सोडा वाटर या फिर कैसे. सर एक डाउट है मेरा सर इसी से रिलेटेड. सर इमल्शन और ये सब सर इन्हीं के अंदर तो आएंगे ना या नहीं आएंगे. इमल्शन की हम बात करेंगे, इन्हीं के अंदर वो एक्चुअली इमल्शन अलग केस में बनता है, ऑयल ड्रॉप वाला सिस्टम ठीक है, वो सॉल्यूशन में ही आता है.
ठीक है, वो सॉल्यूशन की एक पार्ट है। हम ओके सर, सर वही सॉल्यूशन के टाइप है ना, वो तो अल्प में पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे मलसन आते हैं। सर मैं तो सब सब बता दिए थे, सर ने लिखवाए भी हैं। कौन से सर ने लिखवा दिए? सर पुराने वाले सर ने। अच्छा क्या बात है, क्या क्या राहुल सर ने लिखवाए थे टाइप्स ऑफ कोलोइड्स। अच्छा वो इससे पहले राहुल सर पढ़ाते थे ना? यस सर। अच्छा सही किया, चलो फिर तो तुम्हें याद होंगे टाइप्स ऑफ इमल्शन। कितने टाइप्स के बताए थे सर? टाइप ऑफ कोलोइड बताए थे, इमल्शन के टाइप नहीं बताए। हां वही तो कोलोइडल, जब आप पढ़ोगे ना 12th में आओगे, जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे है ना? यस सर। तब सर सर ने एग्जांपल ही बताए थे सिर्फ। हां एग्जांपल ही बताए होंगे, जैसे उन्होंने एक सॉल्ट का एग्जांपल लिया होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए होंगे सर, सॉलिड सॉल्ट इमल्शन और सर वो एरोसॉल। 12th में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं इसके रिलेटेड, पूरा सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम, कोलोइडल सॉल्यूशन और पढ़ो, मतलब है इतना ही सब कुछ। कोलोइडल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं सर? मुझे एक डाउट है। बोलो बेटा। सर मेरे पेपर में मतलब ऐसे आया था कि अगर हमारे पास 1 cup ऑफ वाटर है, उसमें मैंने चॉक पाउडर मिक्स किया, तो क्या जो सॉल्यूशन है मतलब वो स्पिंडल इफेक्ट दिखाएगा या नहीं? तो सर मैंने लिखा था दिखाएगा, क्योंकि अगर हम चॉक पाउडर देखें तो वो पार्टिकल्स को आई थिंक वो कर सकता है, लेकिन मैम ने उसे रॉन्ग कहा था कि क्योंकि थोड़ी देर में वो पार्टिकल्स नीचे जाके वो हो जाएंगे, मतलब हाँ। तो सर चॉक पाउडर जब एयर में होगा तब वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा ना, लेकिन अगर वाटर में है तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। देखो चॉक वो सस्पेंशन बन जाता है एक्चुअली सर, वो फिर सस्पेंशन बन जाएगा ना, थोड़ी देर के लिए स्टेबल होगा, इसीलिए सस्पेंशन बनेगा ना। तो सर फिर वो टिंडल इफेक्ट क्यों नहीं दिखाएगा, मतलब कौन सो करता है क्या सर? टिंडल इफेक्ट कौन सो करता है? मुझे लग रहा है चाक पाउडर और इंक दोनों ही कोलोइड्स तो हैं ही, है ना? चाक पाउडर को भी शो करना चाहिए। यस सर, मतलब थोड़ी देर के लिए तो वो करेगा ही ना, इतने वो सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है वो जाके तो नीचे सबमिट हो ही जाएगा, वो तो अलग ही बात है, बट सर वो थोड़ी देर के लिए तो करेगा ना, वो सस्पेंशन तो बनेगा ना जब वो वाटर में जाएगा। उन्होंने किस बेसिस पे आंसर दिया है ये चीज तो पता नहीं है ना उनके, उनका क्या उन्होंने कहा था कि नहीं जो चॉक पाउडर होता है जब तक ये एयर में है, मतलब जैसे अगर मैं ऐसे एयर में फेंक दूं और उसके बाद उससे लाइट वो करूं तब तो वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन जैसे वो वाटर में जाएगा तो वो नीचे अपना नीचे सबमिट हो जाता है, तो इस वजह से वो सीधा वो वही बोले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करा दी उन्होंने, सस्पेंशन हो गई, जैसे आप मिट्टी मिलाया पानी में, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी वो मिट्टी नीचे आ जाएगी, तो सेडिमेंट हो जाएगी। यदि चाक पाउडर आप देखोगे एंड इंक टिंडल इफेक्ट को शो करता है, तो ये कोलोइड्स हैं, चाक पाउडर है, लेकिन आप कप में मिलाओगे तब नहीं रहेगा। बात उनकी सही लग रही है मुझे भी अब, ठीक है, क्योंकि कि अगर हम पानी में कुछ भी चीज देखेंगे तो अगर हम वो बोल रहे हैं वो सस्पेंशन जरूर है, लेकिन वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा नहीं, ये उसके सस्पेंशन होने पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या बोल रहे हो, मैं फिर से समझा नहीं। मतलब अगर हम चॉक पाउडर और वाटर देखें तो यस हम एग्री करते हैं कि वो सस्पेंशन है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, लेकिन वो सस्पेंशन है इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। क्या होता है वहां पे एक्चुअली स्कैटरिंग नहीं हो पाती है लाइट की सस्पेंशन में, है ना, क्योंकि वो है ना जो स्कैट जो टिंडल इफेक्ट होता है वो क्या होता है विजिबल लाइट में ही तो होता है, जो कोलोइडल पार्टिकल करते हैं ना। yes, सस्पेंशन क्या करते हैं, मे स्कैटर लाइट बट इफ नंबर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज सफिशिएंटली लार्ज, क्या हो बताओ, लार्ज हो, बड़े बड़े हो। yes, वो तभी तक है, यदि वो मान लो प्रेसिपिटेट आउट हो गया नीचे, सारे पार्टिकल्स नीचे आ गए, तब क्या होगा, तब तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना, सिंपल प्लेन हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। आप देखोगे घरों में, यदि आप तो रहे नहीं हो गांव में, पहले हैंडपंप होते थे, हमारे घर में भी हैंडपंप लगा हुआ है, ठीक है सर, मेरे घर में भी था पहले, तो वो मिट्टी आने लगती थी कभी कभी, जब आप पानी चलाते थे तो मिट्टी आने लगती थी, तो हम क्या करते थे उसको बताओ, थोड़ी देर बाद
रखे रहने देते थे तो मिट्टी कहाँ चली जाती थी? ऊपर से नीचे। हाँ नीचे, तो उनका वही रीजन होगा। ठीक है, लेकिन आप चौक पाउडर बोलोगे तब तो सो करेगा। यस सर। आंसर मैंने एक क्वेश्चन सर उसमें पूछा है, एक बार इसका बता दीजिए। इसमें एक डायग्राम भी है, उसमें ना 3 circles बने हुए हैं, मतलब इस तरीके से है वो डायग्राम, तो एक बार सर इसको बता दीजिए कैसे होगा। कहाँ पे भेजा तुमने सर? सर दोबारा भेज देते हैं। कहाँ पे भेजा सर? ऊपर है थोड़ा सा, एक मिनट, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन ही दिख रहा। सर उसने चैट में भेजा है। चैट में भेजा है सर, डायग्राम नहीं आएगा ना इसमें तो। यस सर, डायग्राम आ नहीं पा रहा है, मैंने कॉपी करने की कोशिश करी थी बट हो नहीं पा रहा। वो सर लिंक आ जाता है पर। ये क्या पूछ रहा है? कंपाउंड PQ2 हैज द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। देखो बेटा एक सिंपल सा मैं फंडा बता देता हूँ यहाँ पे। जब आपको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट मतलब फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड उसने दे दिया है ना, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, मुझे मैं यदि इसको पीरियोडिक टेबल से एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पे आप उसकी बैलेंसी से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे? बैलेंसी से, है ना। आउटर डायग्राम भी दे रखा था PQ2, उन्होंने उसमें मतलब कोई यूज बता ही नहीं रखा। अब वो सी में लिखा हुआ तुम्हारे, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना बच्चों। यस सर, मैं डायग्राम बता दूं कैसे था? अब मैं नहीं समझ में आएगा ना बेटा, डायग्राम ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? सर कोई ग्रुप है जिसमें आप हैं? मैं टेलीग्राम ग्रुप में हूँ। सर कौन से वाले में? मुझे ये पता नहीं कौन से वाले में, मुझे इतना आइडिया नहीं है, हूँ लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में हूँ ना मैं। क्यों सर हमें नहीं सर, मुझे तो हमें नहीं पता सर, हमारा तो कोई केमिस्ट्री का टेलीग्राम पे ग्रुप नहीं है। अच्छा तो हमारा नहीं है केमिस्ट्री का? नहीं सर। नो सर, सर क्लास 9th में तो नहीं बना था। चलो तुम्हारा कोई नहीं है, बनवा देते हैं तुम्हारा एक टेलीग्राम। ठीक है, ये तो हम जनरेट कर लेते हैं। वहां से वहां पे पूछ सकता हूँ सर आपसे? हाँ पूछ सकते हो। तो एक काम करना बेटा, तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना तो मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। बट आपका टेलीग्राम सर, आपकी टेलीग्राम आईडी क्या है, मतलब किस उससे ज्वाइन किया हुआ आपने टेलीग्राम में? मुझे भी पता है। क्या अंकित? अंकित हाँ अंकित। हेलो हेलो सर, पिक्चर बना के सब दिखा सकते हैं? दिखाओ भाई, क्या दिखा रहे हो तुम? देखें सर, मैं आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे सर, आप ग्रुप बनवा दीजिएगा। ठीक है ठीक है, आप सेंड। तुम लोग मेरा नाम जानते नहीं हो क्या? सर हमें ये केमिस्ट्री का कोई ग्रुप नहीं है ना, तो हमें नहीं पता कि आप मतलब कौन से ग्रुप पे ऐड करने का। सर सारे सर ने सर कई सारे सर ने अपना नाम टेलीग्राम पे अलग अलग रखा हुआ है। अच्छा ऐसा है? नहीं नहीं, मैथ वाले सर ने सर डीपी भी तो चेंज हो जाती है सर, उन्होंने डोनाल्ड डक की लगा रखी है। मेरा एक ही नाम है अंकित गुप्ता सर, या फिर मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं? बेटा कैसे होगी, करो आप, देखो मैं देख लूंगी, तो आप टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा उसका आंसर, आप मुझे भेज देना, इतना टेंशन मत। ठीक है ओके सर, टेंशन मत, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, डाउट आउट की टेंशन मत लो, सारे बताए जाएंगे। यदि पॉसिबल नहीं होगा तो फिर तुम मुझे कुछ करेंगे, फिर हम नंबर नंबर देंगे उस पर सेंड कर देना। ठीक है, हेलो जोस्ना, मोक्षिका है? मोक्षिका थी, अच्छा वहां मोक्षिका कहाँ है आप? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी सर। अब मैं कहाँ पे था, तुम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, कहाँ पहुंच गया मैं, कहाँ पे था? इमर्जेंस और इन सब के बारे में बता रहे। चलो आगे बढ़ते हैं हमने। अच्छा सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, अनसैचुरेटेड किसे बोलेंगे, और सुपर सैचुरेटेड किसे बोलेंगे? समय आए अर्णव बोलो। So, saturated solution is a solution in which no more solute can be added at a particular temperature and pressure. मतलब उस particular temperature पे उस पे जितना maximum हो सकता था उतना add किया जा चुका है. And an unsaturated solution is a solution in which more solute can be added at a particular temperature and pressure.
जैसे कि जब हम पानी में चीनी घोलते जाते हैं तो जब तक चीनी घुल रही है तब तक वो अनसैचुरेटेड रहता है, जब वो पूरी घुल जाती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड हो जाता है, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करके और उसमें डिजोल्व कर देते हैं तब वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। वेरी गुड सर, मेरा इसी पे डाउट था सर, वो सर ने क्लियर नहीं किया था सर। ऐसी भी कोई स्टेट होती है सर, क्योंकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होते हैं जिनमें हम टेम्परेचर राइज करके और घोल पाते हैं सर, क्या ऐसा हो सकता है हम नॉर्मल टेम्परेचर पे घोली जितनी चीनी और फिर उसको कम कर दिया, तो सर जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा कैसे? मैं समझा नहीं। सर मतलब सुपर सैचुरेटेड का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस, यानी ठंडा कर दिया हमने उसकी जगह पे। फिर तो वो सॉलिड हो जाएगा ना। सर सॉलिड नहीं करना उसे, हमने बस लिक्विड ही रखना है पर काफी कम कर देना है उसका टेम्परेचर। तो क्या टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो क्या होगा, कितना कम करोगे? सर आपने मिक्स कर दिया सर होगा। सुपर सैचुरेटेड, यस सर, सर पर सुपर सैचुरेटेड। आपने मिक्स कर दिया ना, वो सैचुरेटेड ही रहेगा ना, आप ठंडा करते रहो करते रहो करते रहो, ठंडा ही तो रहेगा फिर वो। नो सर, सर सुपर सैचुरेटेड वाले दिखाएगा ना सर वो कुछ टाइम बाद, क्या जैसे समझा सुपर सैचुरेटेड? सैचुरेटेड मैं सर, समझी। जैसे आप जलेबी का देते थे सर, वो पुराने वाले सर भी देते थे जलेबी का, हाँ उसको हम गर्म करते जाते हैं चाशनी को, और जब जलेबी ठंडी होती है तो उसके ऊपर क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। और सर हमने बस नॉर्मल पे टेम्परेचर मतलब हम करते गए मिक्स करते गए जितना रूम टेम्परेचर पे उसे ठंडा कर दिया, तो सर वही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज दिखेंगे ना उस पे भी क्यों दिखेंगी उस पे? सर, क्योंकि उसके बीच का इंटरमोलिक्युलर। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो मैं आज तुम्हें एक सिंपल वे में तुम्हें बता दूं, एक सिंपल शब्द में बता दूं। आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ लिया है ठीक है ना, ऐसा कोई यस काम सर, ही नहीं है सॉल्युबिलिटी, आप कोई भी कंपाउंड ले वो सॉल्युबल होगा। कोई यस सर, कंपाउंड आप देखते हो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होता है, कोई कंपाउंड सॉल्युबल हो जाता है। तो हम वो सब देख चेक करते हैं भाई ये सॉल्युबल हो रहा है या नहीं हो रहा। यस सर, ये डिपेंड करता है बेटा ये प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बोल दिया, कि डिपेंड करती है उनकी प्रॉपर्टीज पे। जब आप अभी मान लो आपने मिक्स कर लिया नॉर्मल टेम्प, अब आप ठंडा कर रहे हो तो अब उसमें मिक्स थोड़ी ना होगा कुछ भी। कंपोजिशन तो वही रहेगा ना, यस सर, मीठा ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा। सर क्योंकि सर उल्टा प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, हाँ तो सर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर हम सुपर सैचुरेटेड बना रहे होते तो बढ़ते जाते हैं गरम गरम करते करते, और सर हम ठंडे ठंडा करते जाएंगे तो कम होते जाएंगे, तो बेटा सर एक वो स्टेट हम नहीं मानेंगे ना फिर तो कोई वो मैं स्टेट। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे ठीक है, और वो डिपेंड एक तो बहुत सारी चीजें सिस्टम पे डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बोले सुपर सैचुरेटेड कैसे तुम बोल सकते हो सुपर सैचुरेटेड ही बनेगा, क्या पता वो ठंडे करने पे और कोई कंडीशन फॉलो करने लगे? यस सर, इसलिए पूछ रहा था। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हर प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग है ना। हम तो एक शुगर सॉल्यूशन के लिए बता देते हैं सिंपल समझाने के लिए, यस सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप कि हर चीज डिजॉल्व होगी वाटर में। सॉल्युबिलिटी क्या मानते हो, जनरली आप वाटर के साथ ही तो मानते हो। जब मैं मतलब प्रैक्टिकल्स करता था तो हमें चेक करनी होती है, हम ऐसे नहीं बता सकते कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल है या नहीं। हम ठंडा पानी भी लेते थे, हम टैप वाटर भी लेते थे, हम वार्म वाटर भी लेते थे, फिर हम बेंजीन भी लेते थे, फिर हम क्लोरोफॉर्म भी लेते थे, हम डिफरेंट डिफरेंट भाई लिक्विड्स लेते थे, उसमें डिजोल्व करके देखते थे उसमें डिजोल्व हो भी रहा या नहीं हो रहा। फिर हम लिखते थे उसकी प्रॉपर्टी, दिस इज डिजोल्व नॉट डिजोल्व इन वाटर, दिस इज डिजोल्व इन वार्म वाटर, दिस इज डिजोल्व इन तो कार्बन। मतलब आगे जाके एक्सपेरिमेंट किया हाँ आपने इसके ऊपर। हाँ तो ये चीजें हैं, डिपेंड करता है वो, ओके सर, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। कोई कोई चीज आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ नहीं हो रही डिजोल्व, क्या कर लोगे? यस सर। सर क्योंकि हम ऐसे रखते हैं गर्म करने पे स्टेट चेंज, हमने उसका दूसरा नाम रख दिया तो सर ठंडे होने पे भी रखते। ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी हम तभी बता सकते हैं, वो हम खोल के देखते हैं हर हर किसी को,
यदि वो मिक्स हो जाएगा तभी हम मानते हैं भाई सॉल्वेबल है। ये तुम हायर क्लास ओके में पढ़ोगे, यदि आपको देखना हो तो यूट्यूब पे मेरे वीडियो पड़े हैं सॉल्युबिलिटी की, ऑक्सीडेशन नंबर नंबर की, नीट जेई वाली पड़ी हुई है, तो मैं देखना हो तो देख लेना, अभी डाली हुई है ठीक है। ओके सर, डाला था एक हमने उसको डाला था, देख लेना है ना, तो मेरी देख, मैंने ट्रिक्स बताई थी वहां पे, और मैंने वहां पे यही बात बोली है कि हम किसी भी कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते वो सॉल्वेबल होगा या नहीं होगा, वो हम डाल के घोल के देखेंगे, यदि घुलेगा तो ठीक है सॉल्वेबल है, लेकिन कुछ कंपाउंड सॉल्वेबल हो जाते हैं तो हम उनकी भाई ट्रिक बता दिए भाई ये चीज होती है, लेकिन कुछ कंपाउंड सॉल्वेबल नहीं होते। ओके सर, जैसे आप देख लो AgF क्या होता है, अब मैं आपको बस नहीं जाना चाह रहा मैं इतना लेवल, AgF है सॉल्वेबल होता है वाटर में, बट AgI सॉल्वेबल ही नहीं होता वाटर में, इनसॉल्वेबल होता है, सॉल्वेबिलिटी होती नहीं है, तो क्या है ये सब की प्रॉपर्टीज है ना अपनी अपनी। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गई आगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब एक तुमने पढ़ा होगा मास बाई मास परसेंट, किस किसने पढ़ा बोलो, कंसेंट्रेशन। यस सर पढ़ा, मास बाई मास परसेंट पढ़ा होगा, तो ये आपने कहीं लिखा देखा है मास बाई मास परसेंट, एम बाई एम भी लिखते इसको बहुत लोग, एम बाई एम इस तरीके से भी। yes, मेडिसिन के पीछे लिखा हुआ देखा होगा बहुत बार है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूशन में कौन कौन आता जल्दी से बताओ, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा अब देखो, जैसे आपको एक होता है मास बाई वॉल्यूम, यस सर, यस सर, ये भी लिखा हुआ देखा होगा तुमने बहुत ज्यादा, एम बाई, यस सर, ठीक है ना। अच्छा एक मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, यदि मैं इन दोनों में से बोलूं कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कोई बता सकता है सर? वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम समझ में ही आ रहा है, वो किस में होगा, लिक्विड में होगा, यस सर, है ना, वही टेम्परेचर। याद रखना कभी भी आपको, कभी भी वॉल्यूम की बात की जाए और आपको मोलरिटी नॉर्मलिटी, आप आगे भी पढ़ोगे हायर क्लासेस में, तो वहां पे याद रखना आपको क्या दे दिया वॉल्यूम नीचे, तो आप क्या समझ जाएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड, वॉल्यूम। और टेम्परेचर तो वैसे भी भाई खतरनाक चीज है, अच्छे अच्छों को पिलगा देती है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी सुने हो तुम? यस सर। यदि मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो काइनेटिक एनर्जी गैस की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। जाओ जैसे मान लो मैं तुम्हें एक रूम में बंद कर दूं, नीचे लोहे का तवा लगा दूं उस रूम के नीचे और उसको मैं हीट करूं, तुम पहले क्या करोगे, आराम से क्या करोगे, बैठोगे, फिर थोड़ी देर बाद क्या करोगे, सब भागने चलने लगेंगे, दौड़ो, और मैं गेट बंद कर दूं फिर क्या करोगे सर, घूमने लगोगे ना, यू आर क्या हो तुम, हो गए गैस के मॉलिक्यूल, कोलो 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 यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इसी तरीके से क्योंकि मोशन होने लगता है। चलो ब्राउनियन मोशन, आप ब्राउनियन मोशन ही करोगे और क्या करोगे, ज़िगज़ैग मोशन, हाँ डांस करोगे यहाँ से वहां, करना है कृष्णा प्रैक्टिकल करें ये वाला कहाँ अब नहीं बोला कृष्णा, अब देखो कितनी देर बाद बोला, बोले सर कहाँ, सर सोच विचार करके बोल रहा है, विचार के बोले कहीं फंस ना जाऊं मैं, सब मेरे पापा करवा देते हैं ऐसे एग्जाम्पल, करवा देते अच्छा, वो साइंस के टीचर है, तुम्हें एग्जाम्पल में चलो, तुम्हें यदि तुम्हें इस तरीके से देखना हो ना तो तुम एक काम करना, तुम ऊपर जब अभी गर्मियां स्टार्ट हो रही है, छत गर्म हो जाएगी, पैदल मतलब चप्पल पहन के मत जाना, स्लीपर्स डाल के मत जाना, ऐसे ही चले जाना, थोड़ी देर बाद पता चलेगा, वैसे ही जाता हूं तो मजा आ जाता होगा ब्राउनियन मोशन में, कहीं अंगूठे पे खड़े हो जाते हो, कहीं एड़ी पे खड़े हो जाते हो, कहीं साइड से खड़े हो जाते हो। Yes, sir. ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट, लेकिन एक बात तुम्हें मैं आज तुम्हें एक बात बताऊं, अच्छी बात, हम ये नहीं बोले नॉलेज नहीं हो, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अभी कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, कुछ लोगों को आगे समझ में आती है, आप लोगों में बहुत से लोग नीट जेई करना चाहते होंगे, बहुत से लोग होंगे यहाँ पे भी होंगे, कुछ लोग आईएएस पीसीएस बनना चाहते होंगे है ना, लेकिन अभी वो चीज पढ़ो जिससे सिलेक्शन होना है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ,
यस सर, सर एक गोल के ऊपर पहले फोकस करो हाँ, उसमें। क्यों क्या होता है ना, अभी आप यदि ध्यान यहाँ वहां भटकोगे ना तो क्या होगा ना, उसके बाद तुम्हें पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें एक बार अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा ब्रांड मिल जाए, तो फिर क्या है, जिंदगी ऐसा है मतलब, फिर तुम कितना भी तुम फिर बात करो वहां पे, तुम्हें मैं कभी आईआईटीज के बारे में घुमाऊंगा, तुम्हें ले चलूंगा किसी दिन, आईआईटीज के बारे में बताऊंगा, नीट के बारे में भी बताऊंगा, एम बाई एम सर डन मतलब तुम डन वेरी गुड। देख रहे हो, ये होता है एक, इससे ये पता चलता है कि बच्चा कंसंट्रेशन पता चलता है, मैंने बात करी लेकिन बच्चे ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया और बात भी सुन ली, ये बात होती है। सडन डन वेरी गुड। तो कैसे आएगा, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया, 110 110 जो मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है वो दिया गया है 110 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो दिया गया है 550 ग्राम 550 ग्राम 550 ग्राम। तो पता है टोटल जो तुम्हारा मास बाई मास होगा वो कितना हो जाएगा परसेंट, सर 1/5 × 200 और सर 1/5 550 × 200, बस निकाल दो, यस सर 20 ग्राम 20 ग्राम नहीं परसेंट, 20% यस सर 20% तो इसलिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर सर रहा हूँ, परसेंट ध्यान रखो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको दे दिया जाए मास ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे, कार्बन डाइऑक्साइड का वो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, या जो वेप किस में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, कोई बता सकता है, सर 0 से तो कम होता है, सर यस सर सोचो यार अच्छे से सोचो, चेक करना, तो मैं फिर मैं एक अच्छी बात बताऊंगा, रिक्वायर कब, नेक्स्ट जब भी क्लास होगी। ओके सर वैसे भी अपना कुछ बचा भी नहीं है, खूब अच्छे से रट डाले, अब इससे ज्यादा क्या हो बताओ तुम, मैं दो चैप्टर आज देखो, ये भी सारे, ये तो मैं ये मान लो दोबारा से अपन ने किए थे, मैंने पहले भी ये चीजें तुम्हें बता चुका हूँ, यस सर ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, बताओ भाई निकालो, सडन वेरी गुड सडन वेरी गुड, कितना आया, सडन वेरी गुड सर आपकी आवाज नहीं आ रही, वेरी गुड वेरी गुड। अब आ रही है, हेलो यस सर आ रही है, यस सर आ रही है बोलो बोलो, कितना आया सर, आंसर, आंसर सर मास ऑफ ग्लूकोज तो 62.5 ग्राम आया, और सर मास ऑफ जो वाटर आया है वो आया है सर 187.5, यही बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। तो कैसे निकाला, आपको यस सर दिया गया था सेम ही मास सर बाई मैंने मास, इक्वेशंस बना दी सर मास मास ऑफ ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूट जी ले लिया और यस वाटर सर को एच ले लिया, और सर है ना, एक इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया गया था 25%, 25% आप निकाल सकते हो ना मास ऑफ सॉल्यूट, क्या निकालना, मास ऑफ यस सॉल्यूट सर क्या है, ग्लूकोज ही तो यस है ना, तो सर आप निकाल लेंगे यहाँ पे कितना आएगा, सर 25 × 25 by 100 आया था, ट्वेंटी और आपको पता है फाइव मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्व कर दो या समझ कर लोगे, सॉल्यूट मास ऑफ सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूट प्लस
मास ऑफ सॉल्वेंट 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 तो सॉल्यूट का जाएगा तो सॉल्वेंट का मास अपने आप आ जाएगा, बोलो माइंड हो जाएगा। यस सर। सर यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट इनटू अबाउट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और जब ये इधर जाएगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है इसमें दिया गया ना 250 ग्राम वाटर नहीं लिया, मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ। ओके जैसे क्वेश्चन लिखो यस सर, सर आप क्वेश्चन कह रहे थे कुछ। हाँ एक मिनट दे रहा हूँ। पिक्चर ऑफ मिल्क एंड ग्राउंडनट ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय ए सब्लिमेशन, ग्राउंड नट को सर हिंदी में क्या कहते हैं? गरी का तेल सुना है? शायद वही होता है, मूंगफली, मूंगफली का तेल, सॉरी। ओके सर, कोकोनट ऑयल होता है गरी का तेल सर। सेपरेटिंग फनल, अरे तुमने तो पहले सेपरेशन फनल का यूज करेंगे। यस सर, सेपरेशन फनल, एवापोरेशन सी सेपरेशन फनल, तुमने तो पहले ही बता दिया। अब इतने आसान क्वेश्चन आते थे तुम लोग पढ़ोगे, 2017-18 में आया था जीएसटीएसई में, और डी नन ऑफ डीजी लिख देता हूँ मैं। इवापोरेशन नहीं होगा, क्या होगा? सेपरेशन फनल होगा। यस सर, ये इमिसिबल लिक्विड्स आएंगे ना। इसमें एक ऑप्शन और था डी, फिल्ट्रेशन दिया हुआ था सर। 18-19 में तो फिर भी, मतलब 19-20 में तो फिर भी थोड़े से डिफिकल्ट आए थे जीएसटीएसई में, वैसे नहीं आए। लगा था कि जीके जो है सब वो एसएसटी वाले, सर मेरे को बताया करंट अफेयर्स आएंगे एसएसटी में सारे के सारे। करंट अफेयर्स तो आएंगे ही, ऐसा नहीं है, करंट अफेयर्स आते हैं। तुमने यदि अच्छे से फर्स्ट 6 to 10 तक की, अच्छे से तुम 9 तक की अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो जीके बाहर कभी जाते yes. अच्छे से सर, नहीं सर ने बोला कि जो एक साल में न्यूज आई है करंट अफेयर्स तो अपनी जगह है, उससे दो चार ही क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आते टोटल जीएसटी सर? जीके में तो करंट अफेयर्स ज्यादातर तुम लोगों ने क्लास तो जीएसटीएसई के नाम पे लगवाई है सर। मैंने भरा है, मैंने कृष्णा ने। सॉल्यूशन सर मैं एलिजिबल नहीं हूँ उसके लिए। अच्छा मैं भी एलिजिबल नहीं हूँ। एज का कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं सर, एज मैटर नहीं करती। नहीं सर, सर रेसिडेंस मैटर करता है। तो तुम रेसिडेंट कहाँ से हो? यूपी में, की दिल्ली में। तुम कहाँ से? मैं यूपी में हूँ। यूपी में कहाँ से? सर मेरा भी यूपी में। सर गाजियाबाद। तुम गाजियाबाद में रहते हो? यस सर। अच्छा, और तो तुम अच्छा गाजियाबाद में ही रहते थे तो, और कौन, तुम कहाँ से हो? सर मेरा स्कूल एक्चुअली यूपी में है तो इस वजह से नहीं पढ़ सकता मैं। तो यूपी के स्कूल को जीएसटीएसई भरने की इजाजत नहीं मिलता। डी बताओ ऑप्शन, जल्दी से बताओ क्या होगा। चलो कोई नहीं, सॉलिड इन गैस, नॉलेज मिलना चाहिए तुम्हें। सर ऑप्शन बी लिक्विड इन गैस। ऑप्शन डी लिक्विड इन गैस। वेरी गुड, तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर। चलो और देखते हैं क्वेश्चंस कुछ।
सर अगर रिवीजन हो गया तो सर फिर 5:30 बजे ही एंड कर दें। बिल्कुल, तुम बताओ तुम कहीं जाना है? हाँ जी सर। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो आज की क्लास तो 5:30 बजे तक ही है। यस सर, 5:30 तक ही है। ओके ओके ठीक। कोई बात नहीं, हम खत्म कर देंगे। ओके तुम घूम आओ, ऐश कर लो, जाओ नहीं सर, जी लो घूमने नहीं। जिंदगी। हाँ अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस में तो सब कुछ जरूरी है लाइफ में पता है, लेकिन पढ़ाई अभी बस 4 साल अच्छे से पढ़ लो, पूरी जिंदगी ऐसा है, समझते हो? 4 साल के अब तो 3 साल ही बचे हैं, मतलब जब आपका रिज्यूम बने तो क्या लिखा हो रिज्यूम में, जैसे मान लो तुम 12th बाद जा रहे हो किसी NTSC क्वालिफाई, ओलम्पियाड क्वालिफाई, यस सर। है ना, केवीपी भाई JEE क्वालिफाई, ये तो तुम्हें 11th 12th 11th में देते हैं, ठीक है, 9th 10th का भी होता KVP, नहीं सर, एनएम में नहीं सर, सर 11th में होता है ना, तो सर ये सब ओलंपियाड दे सकते हैं सर, 9th 10th 11th 12th। नहीं KVP का, और भी ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हो तुम, और भी पता आप लोगों को पता ही नहीं होता एक्चुअली, बहुत बार जाते हैं। एक बच्चा था, मैं मिला था उससे कोटा में, तो उसका मैंने जब देखा ना, वो बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किया हुआ था, बहुत सारे, पता नहीं कहाँ कहाँ के, मतलब यहाँ के तो एग्जाम्स क्वालिफाई किया ही हुआ था, और उसने आउट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे थे। जब उसका देखा तो 4 पेज का इतना डिफरेंट रिज्यूम था ना, मतलब अलग ही खेल था। मैटर ये नहीं करता, नॉलेज भी थी उसको बहुत ज्यादा अच्छा, इसीलिए भाई पढ़ाई पे जितना ज्यादा प्यार कर सकते हो पढ़ाई से करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, जितना यस सर। पढ़ केमिस्ट्री के सर ओलंपियाड कितनी स्टेज होती है उसमें? बेटा। स्टेज तो शायद 3 ही होती है उसमें भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, एक और स्टेज होती शायद, है ना, 4 होती है ना, सर चार पता होती, नहीं। शायद से 4 ही स्टेज होती है। फर्स्ट तो तुम्हारे एक स्कूल लेवल पे, फिर नेशनल ऐसे बढ़ता चला जाता है आपका यस सर। ना। एक मैंने काफी दिनों से ओलंपियाड का देखा भी नहीं है। देखा जाए, देखता हूँ, बताता हूँ कितना होता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है ये 5 है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन NSE, स्टेज सेकंड में होता है INO, इंडियन नेशनल ओलंपियाड, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप OGOCSC, फिर प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप PDT, और फिर स्टेज 5 है आपकी पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ओलंपियाड। और ये मतलब सबसे डिफिकल्ट पेपर होता है, एडवांस से भी ऊपर का पेपर होता है, बहुत डिफिकल्ट पेपर होता यस है। सर, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के भी सर हार्ड ही होते हैं। यस सर, मैथ्स में सर IOQM। बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप लेवल इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, सबसे डिफिकल्ट पेपर होता है ओलंपियाड। हमारे पुराने वाले जो थे मैथ वाले, सब वो यही तैयारी करवा रहे थे हमसे। अच्छा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यस सर। सर इसमें सर कम ही नंबर आते हैं। नंबर कम दो, वो तो कोई भी लड़का पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाता है। पेपर सर मैक्सिमम कट ऑफ मैटर करता है। कट ऑफ कितना जाता है, मैक्सिमम 50% 60% पेपर सॉल्व कर पाता है मैक्सिमम। आप एडवांस का भी सर पेपर देखते हो तो मैक्सिमम 70% से ज्यादा पेपर सॉल्व नहीं कर पाता है। कोई भी बच्चा हाँ मैक्सिमम 7, इतना नहीं है। JEE मेंस का तो फिर भी हो जाता है, नीट का फिर भी हो जाता है, बट उसका नहीं हो पाता। सर, नीट तो बायोलॉजी में होता है ना मेरे ख्याल से। हाँ नीट बायोलॉजी में होता है, पहले नीट बायोलॉजी में होता है, लेकिन अभी नीट अब क्या कर दिया है टोटली, पहले एम्स भी होता था, अब नीट के थ्रू ही सब कुछ मिलने लगा है। किसी ओके दिन तुम्हें सर। कैरियर काउंसलिंग देंगे, चिंता मत करो, अभी तुम 10th में आ जाओ अच्छे से, 10th में देंगे, जब तुम्हें सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे अपनी लाइफ में, आगे क्या लें, मैथ्स लें साइंस लें, तो वो डिपेंड करेगा, तो हम सर कैरियर। सर मेरे ख्याल से इतने हम 10th क्लियर करेंगे इतने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी, फिर हमें शायद सब्जेक्ट पिकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट पिकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा तो, लेकिन नीट ईट के लिए तो वही रहेगा ना। सर नहीं सर, थोड़ा सा ही मिलेगा सब, वो पूरी तरह से लागू 2025 करीब में होगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है? सर सबसे चेंज तो सर प्रतिभा में आ रहा है, सब वो प्रतिभा जो होंगे उनका नाम चेंज करके स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर देंगे, फिर
और वो सिर्फ 9 से 12th तक रहेंगे हमेशा। हाँ तो वो तो सिंपल सी बात है ना, वो 9 से ही हो गया ना तुम्हारा, उसके चेंजेस कुछ नहीं है, वही सिलेबस तो वही रहेगा ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा सिलेबस। सर मैं कह रहा हूँ बच्चे चेंज हो जाएंगे ना, जो 6 टू 8th में पढ़ रहे हैं। यस सर। कहीं और ट्रांसफर कर देंगे। बस थोड़े बच्चे चेंज हो जाएंगे, वो बात अलग है। देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो देखते हैं क्या सिस्टम होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने तो तब देखेंगे ना, सब समय के साथ बदलाव भी जरूरी है ना, बदलाव इसलिए जरूरी है, देखो डायनासोर्स बदलाव नहीं कर पाए, आज क्या हो गया, खत्म हो गए। तो वही है, yes, बदलाव करेगा लाइफ में वही आगे बढ़ेगा, और जो नहीं कर पाएगा बदलाव अपने आप में वो आगे नहीं बढ़ेगा। चलो अब मुझे सस्पेंशन और बता दो क्या होता है। कृष्णा मैं आए, अर्णव सर, ज्योतिषना में आए, बोलो ज्योतिषना नाम से बोल दीजिए, ज्योतिषना बोलो। सर सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सर सेकंड पॉइंट पार्टिकल साइज जो इनका सर जो ग्रेटर देन 1000 nm होता है, और सर जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है सर हम उनको सर नेक्ड आईज से सर देख सकते हैं, और सर हम इनको फिल्टर पेपर से भी फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंसेस बताओगे? समय आए अर्णव बोलो। समय आए जी। चलो कोलाइडल से बोलो। सर कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज 1 nm टू 1000 nm होता है, लेकिन सस्पेंशन का ग्रेटर देन 1000 nm होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन क्वाइट स्टेबल होता है, मतलब हमें वो देखने में होमोजेनस जैसा लगता है, जैसे मिल्क या ब्लड, और सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर बाद उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल कर जाते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन थ्रू आउट अपने टिंडल इफेक्ट शो करता है, सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट ज्यादा टाइम तक शो नहीं कर पाता है। और सर कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है इसके कुछ मतलब कुछ को छोड़कर कई सारे जो कोलोइड्स हैं उनको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन जो होते हैं उन्हें हम फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं। वेरी गुड। तो देखो अब तुम्हें एक बात तो क्लियर हो गई, तुम्हें ये दो तुम्हें मैंने चारों चैप्टर रिवाइज करा दिया, अब बताओ चारों चैप्टर में कोई फिर से रिवीजन करना हो कोई चैप्टर? सर एक पॉइंट है सर, एक बार इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सर मतलब वो कैसे निकालता है एक बार वो भी दोबारा बता दें। अच्छा तो आपने पिछली क्लास में बताया ही था, बट सर फिर सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम 10th में सीखोगे, तुमने थोड़ा बहुत सीखा भी होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे है ना। यस सर सिखाया तो सर। जो ना एक काम करते हैं ये नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दो, तो क्योंकि जब तुम पूछोगे है ना तो वहाँ पे थोड़ी देर एक्स्ट्रा रुक जाऊंगी सर, आप बता दीजिए लेकिन। अच्छा चलो कौन बच्चा बताएगा बताओ, एक्सप्लेन करो सर क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे आपको मान लो एटॉमिक। अच्छा सर सर मोल्स में। सुनो सुनो सुनो, यदि मान लो आपको 7 और 14 मास नंबर यहाँ पे 35 दे दिया ठीक है, और यहाँ पे मास नंबर किसे बोलते बताओ? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ठीक है, लेकिन किसे किसे बोले कौन कौन होता है? नंबर ऑफ बोलो सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ध्यान से रखो, अब देखो नंबर ऑफ यही हो गया। अब तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए गए थे कितने, 17 दिए गए थे, अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो बताओ कैसे बताओ? समय आए अर्णव क्या हो सर? 35 माइनस कर देंगे सर 17 35 में से। अब तुम्हें जब प्रोटॉन पता है, अब मैं आपसे इससे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ तो कितने होंगे? आपको पता है ये एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर 17। हां बिल्कुल, एटॉमिक नंबर क्या होता है जल्दी से बताओ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अनचार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज द एटम, यही तो होते हैं इक्वली तो बराबर ही तो जो yes, प्रोटॉन yes, इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एटॉमिक नंबर भी वही हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा बताओ? 17 हो जाएगा। एक ना एक चीज हमेशा दी होगी उससे ही। हाँ उससे आप इंटरचेंज कर लोगे, तो आप जो एटॉमिक नंबर से आप मास नंबर भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो।
आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको दी, बस आपको ट्रिक्स ये चीजें सारी चीजें क्लियर हो कि मास नंबर कैसे निकालेंगे हम, ये पता हो मास नंबर किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बोलो बेटा। सर फॉर्मूला यूनिट मास हम कैसे निकालेंगे सर, जैसे सर MgCl2 का सर अगर हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालें तो सर उसके लिए हम क्या करेंगे? कैसे फॉर्मूला मतलब बनाने के लिए बोल रहे हो क्या? सर नहीं सर, मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया था सर, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ MgCl2 सर, बस इतना ही क्वेश्चन था। क्या था? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ MgCl2। यस सर। कोई बताएगा इसको क्या कैसे करेंगे? सब में आए अर्णव बोलो सर, इसके रिलेटिव सर, फॉर्मूला यूनिट मास मतलब उसके एक फॉर्मूले का कितना मास होगा सर, क्योंकि जब भी हम कोई सैंपल लेते हैं तो उसमें उसके n पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हम उसका पूरा मास ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, तो हम उसका रिलेटिव मास लेते हैं, जैसे Mg का हम लेंगे और Cl2 का 71 हो गया और सर Mg का 24 हो गया, तो सर इसका टोटल हो जाएगा 95 U। नहीं क्या तुम क्लोरीन कितना ले रहे हो सर? 35.5 × 2। हाँ टू दो दो बेटा ऐसे। यस सर समझ आ गया ना सिंपल। यदि आप MgCl2 को आप यदि चलो मैं इस तरीके से समझाऊं, MgCl2 लिया, इसको डिसोसिएट को क्या मिलेगा, Mg+2 प्लस 2Cl-। यस सर। अरे सिंपल क्या है तुम्हारा फॉर्मूला, वेट ही तो पूछ रहा है यार। यस सर, सब मॉलिक्यूलर मास से ही सेम। हाँ वही है एक्चुअली, मैं वही पूछ ही रहा है, उसी को तुम मान सकते। यस सर, इसकी यूनिट यू या डेल्टन। हाँ वो तुम बोल लो, ग्राम पर मोल भी बोलते हैं इसको अपन। यस सर। यस सर। ओके सर। और बोलो। क्लियर? अब बताओ तुम लोग, और बताओ तुम लोग हालचाल, बताओ क्या हालचाल है तुम लोग, तुम लोग बताते हो। सब बढ़िया। बढ़िया हालचाल है। सब बढ़िया। कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी ग्रुप में? सर आपको मिलाकर सर 19 है, वैसे सर 18 है। 18 है, एडमिन को हटा के और दो लोगों को चाहिए तुम्हारा काम। पढ़ाई करो मस्त, ऐसी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बन जाओगे बड़े, बड़े तो हो ही गए हो, बस पढ़ाई करना है तुम लोगों को। क्या बनना है? क्यों जोशना है तुम्हें, क्या बनना है बड़ा होके, मतलब बड़ा होके क्या मतलब क्या ड्रीम? सर मुझे सर IAS बनना है। अच्छा IAS। हाँ कृष्ण शर्मा बोलो क्या बोल रहे हो? तो मैं तो एस्ट्रोनॉट्स बनना है शायद तुम बता रहे थे। सर मेरे को एस्ट्रोनॉट नहीं सर, एस्ट्रोनॉमर। अच्छा अर्नव? सर मुझे मैथमेटिशियन कम फिजिसिस्ट। अच्छा लेकिन ये ड्रीम्स पता कैसे पूरे होंगे सारे, पता है कभी सोचा? सर पढ़ाई yes, करके। पढ़ाई करके नहीं, जब आप पढ़ाई तो करनी है सर, सही वे लेके, सही वे लेके और सही प्लेस लेके, नीट जेई करने के बाद आप जब yes, सर। क्यों? आपको एक परफेक्ट प्लेस मिल जाएगा, परफेक्ट प्लेस मिल जाएगा तो मतलब क्या होगा, आपका एक सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब बोले तो आप एक परफेक्ट प्लेस पे पहुंच गए हो, अब वहां पे आपको आप ही के टाइप के बंदे मिलेंगे है ना। यस yes, सर। IAS बनने के लिए नीट जेई कोई ना क्लियर करना पड़ता है? जरूर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है, तुम्हारी बात भी सही है सर, लेकिन मेजर IITians मान लो मेजर IITians बनते हैं, वो बात सबकी सही है, ऐसा नहीं है कि मेजर IITians ही बनते हैं, और भी बनते हैं, वो बात उसकी भी सही है, सौभाग्य की। सर IAS करने के तो सर UPSC करनी पड़ती है ना? UPSC करनी नहीं पड़ती बेटा, सर उसके पहले कराता है UPSC, क्या कराता है एग्जाम को कंडक्ट कराता है जो उसने बेटा। यस तो वो होता है, अब वो अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, जैसे मान लो कोई IIT के बाद करता है, कोई यहाँ से BSc MSc करता है, BSc के बाद ही करने BSc से ही करने लगता है, वो सबके प्रोस्पेक्टस हैं कि वो कैसे करेगा। नहीं सर वो IITG वाले ज्यादातर बन जाते होंगे क्योंकि उन्हें मेहनत, बता उसका रीजन मेहनत नहीं, उसका क्या होता है उनका, उनके पास लॉजिक होता है, लॉजिकल बोले तो उनका इतना माइंड डेवलप हो जाता है IIT के बाद, तो वो उस तरीके से उसको सोचना सीख जाते हैं, और जो आप हॉस्टल लाइफ जो एक बार जी लेता ना, हॉस्टल लाइफ जब जाएगा अच्छे कॉलेज में IIT NIT में, तो वहाँ पे वो सीख जाता है हर चीज, उसका जो डेवलपमेंट होता है ना माइंड का, पूरी तरीके से ग्रोथ हो जाता है, ये होता है, वो कम टाइम में ज्यादा पढ़ लेता है, और जो BSc वाला वो कम टाइम में ज्यादा नहीं पढ़ सकता वो।
यस सर, ये चीज बट होती है, इसमें सब्जेक्ट होती है। एक साल या 2 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने पढ़ा वो था साइंस मैथ्स, लेकिन अब जो पढ़ना है वो है सोशल साइंस। चलते हैं वो बात भी, साइंस मैथ्स नहीं होता इंजीनियरिंग में, एक बात ध्यान रखें। क्लियर करने का क्या क्या बन सकता है क्या सर, आईआईटी जेईई क्लियर करने के बाद? आईआईटी के लिए कुछ नहीं, बस पढ़ाई करते रहो ऐसे ही, जैसे अभी पढ़ रहे हो ऐसे ही पढ़ते रहो, परमानेंट पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, अपने आप तुम्हारी आईआईटी हो जाएगी। सर क्लियर करने के बाद, क्लियर करने के बाद कुछ नहीं, सीधा कॉलेज एडमिशन हो जाएगा। सर क्या क्या बन सकते हैं? आईआईटी के कोई बहुत कुछ भी बन सकते हो, आपको जो बनना हो, आप रिसर्च में भी जा सकते हो, आप इंजीनियर भी बन सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हो, बैंक सेक्टर, आप कहीं भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है नहीं बन सकते, ओके सर, है ना। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स डॉक्टर्स आईएएस पीसीएस सभी को, ठीक है, गुड बाय, अच्छा मीटिंग, गुड नाइट सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट सर, बाय एवरीवन।